हेलो फ्रेंड्स, रेलवे में जो एनटीपीसी की वैकेंसीज निकली हुई है, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की टोटल जो वैकेंसीज निकली हुई है 35,277 यानी 35,277 वैकेंसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख लीजिए, क्वालिफिकेशंस, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आपको क्रैक करना है, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सारी डिटेल्स हम लोग चेक करने वाले। और इसके अलावा आपकी एग्जाम कब होगी, किस मंथ में होगी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मैसेज, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जल्दी एक नया कोर्स स्टार्ट होगा, फ्री कोर्स होगा, सबके लिए फ्री वीडियोस होगी। एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो या मैथ्स के हो, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स की डेली वीडियो तो आपको मिला ही करेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट यानी आरआरबी एनटीपीसी, एनटीपीसी का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ऑनलाइन फॉर्म यानी आवेदन किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन अगर 12th तक भी हुआ है तब भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ग्रेजुएट अगर आप हो, एनी डिग्री अगर आपके पास में है, तब भी आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जो है आपकी एज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट यानी 12th पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 18 to 30 ईयर्स, 18 साल के नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 30 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होना चाहिए। और जितना भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी को 3 ईयर्स एंड एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का जो एक्सटेंशन दिया जाता है, और एक सर्विसमैन के लिए कुछ अलग से होता है, तो जो भी एज रिलैक्सेशन होता है तो वहाँ पे वो अप्लीकेबल होगा। यानी अगर ओबीसी कैंडिडेट की एज अगर 33 इयर्स भी है तब भी वो 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अगर बात करेंगे तो आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर यूआर यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो 38 इयर्स तक जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में, वैकेंसी डिटेल्स के बारे में लोग बात करेंगे। एनटीपीसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 ये है। 12th पोस्ट की अगर बात करेंगे तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4,319 पोस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 760 पोस्ट है। जूनियर टाइम कीपर की अगर बात करेंगे तो 17 नंबर ऑफ पोस्ट है। ट्रेंस क्लर्क की बात करेंगे तो 592 पोस्ट है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 4,940 नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट है। टोटल अगर इसका आप करोगे तो 10,628 नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, 12वीं तक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12th आप पास होना चाहिए और टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। बट यहाँ पे आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी यहाँ पे चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपके पास में टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तब भी चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना है, सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया जाता है और कमेंट्स के ऊपर हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो। ग्रेजुएट पोस्ट की अगर बात करेंगे तो ट्रैफिक असिस्टेंट की 88 नंबर ऑफ पोस्ट है। गुड्स गार्ड की अगर बात करें तो गुड्स गार्ड की 5,748 नंबर ऑफ यहाँ पे पोस्ट है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पे 5,638 नंबर ऑफ पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2,873 नंबर ऑफ पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भी यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसीज है, 3,164 यहाँ पे वैकेंसीज है। सीनियर टाइम कीपर की 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और कमर्शियल अप्रेंटाइज की 259 यहाँ पे वैकेंसी है और स्टेशन मास्टर की सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी है, 6,865 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करेंगे तो 24,649 यहाँ पे पोस्ट हो जाती है एनी डिग्री के लिए। अगर आपके पास में डिग्री होगी तो आप ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस देना होता है। सबसे अच्छी जो पोस्ट होती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि टीए एंड सीए जो है काफी अच्छी पोस्ट होती है, किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपके कमेंट्स होंगे तो। सबसे अच्छी इनमें से पोस्ट कौन सी होती है, आपको प्रेफरेंस किस तरीके से देना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, क्योंकि टीए और सीए की काफी अच्छी यहाँ पे पोस्ट मानी जाती है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। सीनियर टाइम कीपर की भी काफी अच्छी पोस्ट होती है। अगर बात करेंगे यहाँ पे गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर की भी काफी अच्छी पोस्ट होती है, बट यहाँ पे गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट होती है उनको प्रेफरेंस में थोड़ा सा नीचे
चीज यहाँ पे तवज्जो दिया जाता है उसके रीजंस के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली बात यह है कि गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। यहाँ पे फॉर अदर्स यानी ओबीसी एंड यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज का चालान आपको पे करना होगा। 500 रुपये यहाँ पे पर एप्लीकेशन यहाँ पे देना होगा। फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वुमेन ट्रांसजेंडर ईबीसी माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे 250 रुपीज का यहाँ पे चालान देना होगा। 250 रुपये का चालान यहाँ पे देना है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, एंड यूआर एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपीज का चालान पे करना है। पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ पे होगा। इसकी लास्ट डेट की अगर बात करेंगे हम लोग तो 31st of March 2019 के भीतर जो है आपको जो है अप्लाई कर देना है और जितने भी इसकी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको जो है लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, मिडल में ही आपको जो है अप्लाई कर देना है। एकदम स्टार्टिंग में भी अप्लाई मत करिए और एंडिंग में भी मत करिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन निकला है उसके 10-12-15 दिन बाद जो है 3-4 वीडियो देखना है आपको यूट्यूब पर और खुद से भी कुछ स्टडी करना है और उसके बाद में जो है आपको अप्लाई करना है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, चाहे आप किसी की भी वीडियो देखते होंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो 40 नंबर का यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के ऊपर इन लोग जो है काफी ध्यान देते हैं और हमारी डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पर। टोटल 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाएंगे। तो आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना होगा। 40 नंबर का यहाँ पे आपका टेस्ट होगा जनरल अवेयरनेस यानी जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस के, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में और बात करेंगे। मैथमेटिक्स के सवालों की बात करेंगे तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बनेंगे मैथमेटिक्स से और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। अभी जनरल इंटेलिजेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में जो आम आप देखते हो क्वेश्चन वो आम क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, पर जनरल इंटेलिजेंस में लॉजिक आपको लगाना होता है जिसमें आपके डिसीजन मेकिंग टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली आपने जितने भी एग्जाम दिए होंगे रेलवे के तो आपने नोटिस किए होंगे कि डिसीजन मेकिंग टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, हम जब इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल में और आगे बात करेंगे। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर जाते हो तो एक नंबर आपका कट जाएगा पॉजिटिव में से। तो आपको बिल्कुल भी निगेटिव यहाँ पे जाना नहीं है, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम मंथ यानी आपका एग्जामिनेशन किस मंथ में होने जा रहा है। तो जो टेंटेटिव शेड्यूल है यहाँ पे जून टू सितंबर दिया गया है, यानी यहाँ पे 3 से 4 महीने का गैप दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जून टू सितंबर यानी जून जो आता है वो आएगा आपका 6वां महीना और सितंबर जो आएगा आपका 9वां महीना आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है तकरीबन 80-90 डेज यहाँ पे चल सकती है, क्योंकि 12th वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे। काफी सारे एप्लीकेशन यहाँ पे जाने वाली है, पता नहीं इतना सारा पैसा कहाँ जाएगा इलेक्शन में जाने वाला है कि आई डोंट नो, बट यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, लाखों करोड़ों में यहाँ पे कैंडिडेट जो है अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जून टू सितंबर यानी तकरीबन 80-90 डेज यहाँ पे एग्जाम चलेगी, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है। चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले समय में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे रेलवे से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा और काफी सारी जॉब्स निकली हुई है गवर्नमेंट्स की, उन सारे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। कल आपको एक दो वीडियोस और मिलेंगे जिसमें हम लोग कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you very much guys for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much.